वेलकम टू विज्ञान स्टडी। आज है 2 मई 2020। दोस्तों, आज के जो करंट अफेयर्स हैं उन करंट अफेयर्स पर हम अच्छा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, और इन करंट अफेयर्स से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उन फैक्ट्स पर भी डिस्कशन किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें ताकि वीडियो प्रमोट हो सके और आपके दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके जो आज के करंट अफेयर्स हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं, आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे सारे करंट अफेयर्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट, आज का जो आपके करंट अफेयर्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 30 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि आपके जो ऑप्शन हैं, ए नेपाल, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी भारत। तो अमेरिका ने किस कंट्री को 30 करोड़ रुपए देने की घोषणा अतिरिक्त की है? आंसर करिए, आपको टाइम दिया जा रहा है। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा भारत। अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत को 30 करोड़ रुपए देने की घोषणा अतिरिक्त की है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? इसमें ऑप्शन आपका है जर्मनी, बी रूस, सी जापान, डी चाइना। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि किस कंट्री ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किस कंट्री ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, कमेंट करके बताएं। चलिए, आपका आंसर मैं यहाँ कर देता हूँ। फिलहाल आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा कंट्री होगा। यह आपका कंट्री है जर्मनी। जर्मनी ने हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है पूरी तरह से। ठीक है, और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि जर्मनी जो है लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। पुलिस ने कई शहरों में मस्जिदों की संस्थाओं पर रेड की। बकौल जर्मन सरकार, हिजबुल्लाह की गतिविधियाँ आपराधिक कानून का उल्लंघन करती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका व इसराइल ने ईरान समर्थित इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। ठीक है, लेकिन जर्मनी ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखिएगा, जर्मनी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, यह आपका है, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? इसमें आपके ऑप्शन हैं बिहार, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी केरल। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने किसी भी व्हीकल को ख़रीदने के लिए 1 साल तक के लिए बैन लगा दिया है? आपको आंसर करके बताना है कि कौन सा वो राज्य है। दोस्तों, आपका राज्य जो है ये आपका हरियाणा है। आपको कमेंट में बताना है कौन सा राज्य है, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, कमेंट में लिखें या आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें, उससे आपको पूरी हेल्प मिलेगी। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करते हो, जितना आप रिटन में रखते हो, उससे आपको जानकारी ज़्यादा प्राप्त होती और आपकी जानकारी मजबूत होती है। ठीक है, तो साथ में कमेंट करते चलें ताकि आपकी जानकारी और आपका ब्रेन स्ट्रांग होता रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है राज्य है वो है हरियाणा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फैक्ट्स आप ये हैं कि हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छोड़कर कार व जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने बताया है कि अगर नई कार या जीप की सख्त ज़रूरत पड़ती है तो वाहनों की आउटसोर्सिंग या हायरिंग की जाएगी, लेकिन नई खरीद नहीं होगी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्य मनोहर लाल खट्टर जी, उनकी अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि कोई भी नई किसी प्रकार के नए वाहन को परचेज नहीं किया जाएगा, खरीदा नहीं जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसकी आउटसोर्सिंग या हायरिंग करवा ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि हरियाणा राज्य ने, ठीक है दोस्तों, हरियाणा राज्य ने किसी प्रकार की कोई वाहनों की खरीदारी के लिए पूरी तरह से 1 साल के लिए बैन लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस
इंटरनेशनल लेबर डे निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है? दोस्तों आपको आंसर करके बताना है कि इसमें कौन सी डेट ऐसी है जिस डेट में इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया इस दिन को सेलिब्रेट करती है, ठीक है? तो ये दोस्तों आपका है 1 मई, ठीक है? ये आपका 1 मई है, ये आपका लेबर डे सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इसको मनाया क्यों जाता है? दुनिया भर में जितने ही लेबर हैं, मजदूर या जितने भी कामगार लोग हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए इस दिन को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? और इसके फैक्ट्स के बारे में अगर बात करें कि हिंदुस्तान में कब मनाया जाता है, तो दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि लेबर डे पूरे विश्व में एक ही तारीख को मनाया जाता है। लगभग 80 देशों में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है। इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 में मनाई जाती है, यानी इसकी शुरुआत इंटरनेशनल लेवल में जो है 1 मई 1886 में हुई थी। और अगर हिंदुस्तान की बात करें तो भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में सबसे पहले हुई थी, जो हुई थी 1 मई 1923 में, ठीक है? दोस्तों क्वेश्चन याद रखिएगा, हो सकता है कि इस तरह से एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत कब हुई थी और किस स्थान से हुई थी। तो भारत में मजदूर दिवस की जो है लेबर दिवस की जो शुरुआत हुई थी 1 मई 1923 से 23 से हुई थी, और ये चेन्नई से स्टार्ट हुई थी, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया ये आपका आंसर होगा 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को हर साल मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? अनुप्रवाह इसका मतलब ये होता है, ये आपको सब यहाँ पे लिखा गया है, अनुप्रवाह। एक जो प्रवाह होता है, प्रवाह को अगर रूप दिया जाए तो वो अनुप्रवाह हो जाता है। तो चाइना करके आ रहा है सारी नदियों पर पुल बना करके, बांध बना करके, वहाँ पर जाएंगे बांध बना करके नदियों को अनुप्रवाहित कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है कि किस नदी पर जो है चीन जो बांध जो बना रहा है, बांधों के कारण अनुप्रवाह देश में सूखे की स्थिति देखी गई है, तो किस नदी पर जो है बांध बनाने से प्रॉब्लम हुई थी। तो स्टूडेंट चाइना ने क्या किया है, चाइना ने जो है मेकांग नदी पर लगभग 6 बांध बना दिए हैं। तो 6 बांध बनाने के कारण इसका प्राकृतिक प्रभाव प्रभावित हुआ है, इसका जो बहाव है या इसका जो प्राकृतिक प्रवाह है वो प्रभावित हुआ है, इससे अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है, ठीक है? तो ये है, तो ये आपकी नदी कौन सी है, किस नदी पर बांध बनाए गए, ये आपकी मेकांग नदी है। क्वेश्चन आपको रिपीट करवा देता हूँ कि हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? ये आपका होगा मेकांग नदी। मेकांग नदी पर लगभग 6 बांध बना दिए हैं चाइना ने, तो 6 बांध बनाने के कारण जो है यहाँ पे अनुप्रवाह जो है देखा गया है, ठीक है? ये पॉइंट याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो किस संस्था द्वारा जारी की रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी को आजीविका खोने का खतरा बन गया है, इसके सर्वेक्षण के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई थी, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आपका है, आंसर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन आपका ए दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ठीक है? इस संस्था के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी जो श्रमिक रहते हैं, लेबर जो लेबर टाइप के जो लोग हैं जो डेली आजीविका कमाते हैं, उनके लिए उनकी आजीविका खोने का खतरा बना हुआ है। तो ये जो है सर्वे किसके द्वारा किया गया है, जानकारी प्राप्त की गई है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के द्वारा, ठीक है? तो ये आप आंसर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही, बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है?
स्टूडेंट आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 53। आपको बताना है कि भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो आंसर आपका होगा 53। ठीक है दोस्तों, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को 53वें स्थान पर रखा गया है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में समझ लेते हैं। फैक्ट दोस्तों, जैसे कि यह बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 के पैमाने पर मापता है। इस सूची में न्यूजीलैंड 27 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। यह सर्वे अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि कौन सा प्रथम स्थान पे है, जो बजट पारदर्शिता और जवाबदेही जो यह है इसमें जो है न्यूजीलैंड किस स्थान पर है, तो यह सबसे प्रथम स्थान पे कौन है, तो 87 87वें स्कोर के स्थान पर न्यूजीलैंड है। और यह सर्वे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप IBP द्वारा संचालित किया गया है। इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है भारत को। ठीक है, तो 117 देश हैं, 117 देशों में से 53वें स्थान पर भारत को रखा गया है, भारत को मिला है। ठीक है, इस सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 का स्कोर प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट्स याद रखिएगा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए COVID-19 उपकर सेस लगाने की योजना शुरू की है। सेस, इस राज्य ने सेस लगाने की योजना शुरू की है। इसमें कौन सा राज्य है, ऑप्शन में आप देख लीजिए। ऑप्शन में ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी केरल, डी त्रिपुरा। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका नागालैंड, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसने क्या किया है कि डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पीड के लिए COVID-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है। मतलब यहाँ पे ये उपकर लगाएगा। ठीक है, और इसके फैक्ट्स जो है वो समझ लेते हैं। इसमें जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी लड़ाई के खिलाफ जारी जंग में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए COVID-19 सेस लगाया गया है, ये नागालैंड ने किया है। और कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से नागालैंड सरकार की आमदनी प्रभावित हुई है। राजस्व में आई इस कमी की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाने का फैसला किया है, जिसे सेस कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि सेस किस राज्य ने लगाया है, तो नागालैंड ने लगाया है। और नागालैंड राज्य ने क्यों लगाया है, क्योंकि वहाँ पे समस्याएं खड़ी हो रही हैं, नुकसान हो रहा है, तो उसकी भरपाई करने के लिए। ठीक है, और कोरोना संकट के बीच नागालैंड सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर COVID-19 सेस जैसा कि बताया लगा दिया है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य में पेट्रोल 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल 5 रुपये प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए COVID-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है, तो वो स्टेट आपका है नागालैंड। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपका है, एशियाई खेल 1962 यानी 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आपके ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। ऑप्शन ए नरेंद्र गहलोत, बी चुन्नी गोस्वामी, सी अनिरुद्ध थापा, डी पीटर थंगड़ास। तो आपका जो आंसर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा चुन्नी गोस्वामी। ठीक है दोस्तों, चुन्नी गोस्वामी है। चुन्नी गोस्वामी क्या थे, क्रिकेट के माहिर और महान फुटबॉलर। चुन्नी गोस्वामी का दिल का दौरा पड़ने से अचानक उनकी मृत्यु हो गई। वह लगभग 82 वर्ष के थे और 1962 में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 1962 में जो एशियाई खेल हुए थे इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और उस टीम के वो कप्तान भी थे। ठीक है, बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी की क्रिकेट भी खेले थे। उनकी दोनों खेलों पर ज़बरदस्त पकड़ थी, यानी वो क्रिकेट भी अच्छा खेलते थे और फुटबॉल भी अच्छा खेलते थे, दोनों खेलों में अच्छी पकड़ थी। तो बस याद रखिएगा कि चुन्नी गोस्वामी कौन थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी दी गई। एक्चुअली पहले भारत के पास मेज़बानी थी, लेकिन अभी ये दूसरी कंट्री को सौंप दी गई है। कारण मैं आपको इसके फैक्ट्स क्या हैं मैं बताऊंगा। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए नेपाल, बी चीन, सी रूस, डी सर्बिया। तो किस देश को सौंप दी गई है, मतलब हाल ही में किस देश को
2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी दी गई है। आपको बताना चाहूँगा कि ये सर्बिया को सौंप दी गई है। अभी पहले भारत के पास थी, लेकिन भारत से लेकर के ये सर्बिया को दे दी गई है। इसके कारण क्या है कि साल 2021 में प्रस्तावित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप अब हिंदुस्तान की जगह सर्बिया को दे दी गई है, क्योंकि भारतीय फेडरेशन मेज़बानी राशि अदा करने में असफल रहा। जो इसकी सेट जो अमाउंट होता है, मेज़बानी राशि जो होती है, उसको भारत देने में असफल रहा। बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने 2017 में किया गया करार तोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से ये मेज़बानी अभी सर्बिया को सौंप दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट याद रखिएगा कि किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी दी गई है, वो देश है सर्बिया। ठीक है, तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 11 है। एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आपको मालूम ही होगा, आपको आपकी जानकारी में होगा ये कि इसका एक्चुअल आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को बताना है, इसमें मैं बताऊंगा नहीं आपको, केवल आप क्वेश्चन पढ़वाऊंगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन आपके हैं 29 अप्रैल, बी 1 मई, सी 30 अप्रैल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन के जो आंसर है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में AIIA ने किस राज्य सरकार की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन आपके हैं ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में AIIA ने किस राज्य सरकार की पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया? तो दोस्तों ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पे AIIA, ये क्या है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। इसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम रखा गया है आयु रक्षा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा दिल्ली पुलिस के साथ इस इंस्टीट्यूट ने मिल करके ये प्रोग्राम रखा है, कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम है आयु रक्षा। तो ये किस राज्य सरकार की पुलिस के साथ, ये है आपकी दिल्ली, जो आपका ऑप्शन होगा दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि AIIA ने दिल्ली राज्य सरकार की पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 13 नंबर, हाल ही में दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बना है? यह आपको आंसर, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आप इसे कमेंट करके बताएं कि हाल ही में दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बन गया है। ए ऑप्शन रामायण, बी महाभारत, सी शक्तिमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन राइट है। दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, रामायण। दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम रामायण है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़िए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, डी इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट आपको बताना है कि हिंदुस्तान के किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है, और ये हर साल मनाता है। ठीक है, इस राज्य में जो राज्य आपका यहाँ पे आंसर में आने वाला है, वो राज्य हर साल इस दिवस को अपने यहाँ मनाता है। तो आंसर आपका होगा गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य जो है ये हर साल एवरी ईयर ये अपने स्थापना दिवस को 1 मई को सेलिब्रेट करता है, मनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15, और ये कुछ पॉइंट से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ, वह कौन थे? यह आपको बताना है कि हाल ही में जो चुन्नी गोस्वामी जी का जो निधन हुआ है वो कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं ए पत्रकार, बी लेखक, सी फुटबॉलर, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं आपको टाइम देता हूँ कुछ सेकेंड्स का, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएँ। दोस्तों आप कमेंट करके बताना है कि चुन्नी गोस्वामी कौन थे। आपका ये आंसर होगा आपका, ये एक बहुत प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। ठीक है दोस्तों, चुन्नी गोस्वामी एक बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉलर थे हिंदुस्तान के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य के काले चावल को GI टैग दिया गया है?
कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य के काले चावल को, ब्लैक राइस को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में किसका आंसर क्या हुआ, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। आपको भी बताना है कि किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों आपको इसका आंसर करके बताना है, आपको समय दिया जा रहा है, आप आंसर करके बताएं कि महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिसको, जिसके काले चावल को जीआई टैग दिया गया है। चलिए आंसर करते हैं, इसका आंसर होगा मणिपुर। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट ये जो मणिपुर है, मणिपुर में ब्लैक राइस पाया जाता है और इसको जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट आज का अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाल ही में किसे जापान ने ऑर्डर ऑफ रीजनिंग सन से सम्मानित किया। ऑप्शंस आपके हैं शिवदास मीणा, बी सैयद अकबरुद्दीन, सी थागनजाम लवाली, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि किसे ऑर्डर ऑफ रीजनिंग सन से सम्मानित किया गया, या आपको आंसर करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है, हमें कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसका आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थंग जाम दवाली। ठीक है, थंग जाम दवाली को ऑर्डर ऑफ रीजनिंग सन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है, हाल ही में किसे निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। हाल ही में किसे निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो इसमें आपके ऑप्शन हैं प्रोफेसर टी प्रदीप। तो स्टूडेंट जल्दी से आप कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा, इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके हमें बताएं। ऑप्शन आपके हैं प्रोफेसर टी प्रदीप, समीर रेड्डी, विमल आहूजा, इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करके बताना है कि हाल ही में किसे निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर होगा प्रदीप, सॉरी प्रोफेसर टी प्रदीप। प्रोफेसर टी प्रदीप को जो है एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपका है 19, हाल ही में गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन आपके दिए हैं ए दीपक मित्तल, बी शिखा शर्मा, सी पीयूष श्रीवास्तव, डी इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर करके कमेंट, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं कि इसका एक्चुअल वैलिड आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हाल ही में गूगल पे इंडिया के सलाहकार, गूगल पे है जिसके माध्यम से मनी ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है, इसके सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको आंसर करना है, इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो होगा शिखा शर्मा। स्टूडेंट ठीक है, स्टूडेंट शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है। आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा, कि हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है। ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, डी छत्तीसगढ़। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों आपको 10 सेकंड समय दिया जा रहा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है। हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा राज्य है जो मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार जिसने दिया है। आंसर आप करके बताएं आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बना हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। ठीक है जी, आज का आपका करंट अफेयर्स, इसमें जहाँ भी आपको कोई डाउट हो या आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, इसके अकॉर्डिंग इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों जिसमें हमारी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे फ्री पीडीएफ करके कंटेंट लिखा होगा जिसमें लिंक दी है, अगर लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो हमारी पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जाएं और पीडीएफ डाउनलोड करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर आप चाहें तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसके लिए भी आप फ्री हैं।
तो दोस्तों चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्तों को भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके, ठीक है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को अवेलेबल कराया जाए। जितने भी करेंट अफेयर्स में पॉइंट्स आते हैं, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपके सामने लेकर आऊँ, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।